गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेसन 12 है, एंड लेसन 12 में आपका क्या है देखते हैं, द लिटिल प्लांट। ठीक है, लिटिल मीन्स होता है छोटा, एंड प्लांट मीन्स पौधा, दैट मीन्स क्या हो गया, छोटा पौधा। तो आज हम लिटिल प्लांट, एक छोटे पौधे के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द हार्ट ऑफ ए सीड बरीड डीप, सो डीप ए डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट स्लीप। तो देखिए, हार्ट मीन्स दिल, सीड मीन्स बीज, बरीड दैट मीन्स होता है दफन, डीप मीन्स गहरा, लिटिल प्लांट मीन्स छोटा पौधा, फास्ट स्लीप मतलब तेजी से सो रहा है। तो देखिए, इन द हार्ट ऑफ ए सीड मतलब एक बीज के हार्ट में, दिल में, बरीड डीप सो डीप मतलब दफन है इतनी गहरी, ए डियर लिटिल प्लांट मतलब एक छोटा सा पौधा, ले फास्ट स्लीप मतलब क्या कर रहा है, तेजी से सो रहा है। ठीक है, वेक शेड द सन साइन एंड क्रीप टू द लाइट, वेक सेट द वॉइस ऑन द ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। देखिए, वेक सेट द सन साइड, सॉरी सन शाइन, सन शाइन दैट मीन्स सूरज की रोशनी, वेक मीन्स जागना, क्रीप मतलब धीरे धीरे चलना, लाइट मीन्स प्रकाश, रेन मीन्स बारिश, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे, ब्राइट मीन्स चमकीला। तो देखिए, वेक सेट द सन साइन, तो जो सूरज की किरणें हैं, है ना, सूरज की जो रोशनी है वह क्या कह रही है, जागो, है ना, किसको, एक लिटिल प्लांट को, छोटे से पौधे को। एंड क्रीप टू द लाइट, और जो उसकी रोशनी है, प्रकाश है, धीरे धीरे क्या हो रही है, पृथ्वी पर पहुंच रही है, है ना। वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, देखिए मतलब जो सूरज की किरणें हैं वह उसकी आवाज़ भी और उसकी जो रोशनी है, किरणें हैं, वो भी जागने के लिए कह रही हैं, और जो ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, और जो बारिश की बूंदें हैं वह भी क्या हो चुकी हैं, ब्राइट हो चुकी हैं मतलब चमकीली हो चुकी हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पिक्चर में बताया गया है कि एक छोटे से सीड से आपको, मतलब एक सीड से ही लिटिल प्लांट मिलता है, है ना। तो जो सूरज की किरणें हैं, रोशनी हैं, वह कह रही हैं कि अब जागो करके, है ना, क्योंकि बारिश की बूंदें भी क्या हो चुकी हैं, ब्राइट चमकीली हो चुकी हैं, और जो सूरज की किरणें हैं धीरे धीरे क्रीप कर रही हैं, है ना, इसलिए क्या बोल रही हैं, वेक करके मतलब जागो करके। ठीक है, द लिटिल प्लांट हियर्ड एंड इट रोज टू सी, द लिटिल प्लांट हियर्ड, हियर दैट मीन्स सुना, छोटे पौधे ने सुना, एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। देखिए, रोज मीन्स होता है बच्चों गुलाब, एंड सी मीन्स देखना, वंडरफुल मीन्स आश्चर्य, आउटसाइड दैट मीन्स बाहर, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, माइट भी मतलब हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, दुनिया के बाहर भी, है ना, एंड इट रोज टू सी, देखने के लिए, जो रोज़ होता है, गुलाब होता है, क्या होता है, बहुत ही वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि जो रोज़ का प्लांट्स होता है बहुत ही क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा द लिटिल प्लांट। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।